नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने के मामले में FIR दर्ज की गई है। खुद को अनुसूचित जनजाति की बताते हुए ऋचा ने यह जाति प्रमाण पत्र 2020 में मरवाही उपचुनाव के समय शासन के पास जमा कराया था। राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के खिलाफ मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया है। साल 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी ने भी नामांकन दाखिल किया था। वही चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पेश की थी, जिसमें उन्होंने ऋचा रूपाली साधु के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी होना बताया था। लेकिन जून 2021 को उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने ऋचा जोगी के गौड़ अनुसूची जनजाति के स्थायी प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया था। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के अध्यक्ष DDC थे। उन्होंने कहा था कि जांच में पाया गया कि ऋचा जोगी के पिता क्रिश्चियन थे और समिति ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ सहायक आयुक्त LR कुर्रे ने जाँच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कराया है। शिकायत में कहा गया है कि ऋचा रूपाली साधु शादी से पहले का नाम ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र तैयार कर इसे उपयोग किया। ऋचा के खिलाफ सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत अपराध क्रमांक 651 दर्ज किया गया है। दरअसल ऋचा जोगी को मुंगेली जिले के जरहा गांव तहसील के पेंड्रीडी गांव से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इस बारे में शिकायत मिलने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने विस्तार से जाँच की और 23 जून 2021 को रिपोर्ट दाखिल की। इसमें ऋचा जोगी के प्रमाण पत्र को अवैध ठहराते हुए इसे निरस्त करने के लिए आदेशित किया गया था। वहीं मुंगेली के जिला प्रशासन को कार्यवाही के लिए निर्देशित भी किया गया था। साधु द्वारा अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनवाना और उसके उपयोग में लाने के संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 के तहत दर्ज किया प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें क्या अपेक्षित है उनके जरम किस प्रकार की कार्रवाई होगी और किस प्रकार से अपेक्षित है कि सजा का प्रावधान है? प्रकरण आज ही दर्ज किया गया है, उसमें छानबीन समिति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और अन्य जो भी साक्ष्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस में और भी विवेचना के दौरान में और भी आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हो सकते हैं इसमें? विवेचना के आधार पर जो भी दस्तावेज या जो भी तथ्य स्पष्ट होते हैं उसके आधार पर ही आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।